आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। हाथरस में महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी ही महिला सम्मान को भूल गई, जिसकी एक वानगी में बीजेपी की एक बैठक में राज्य मंत्री सहित मंच पर दो विधायक और एक सांसद मौजूद थे। वहीं जब बीजेपी महिला मोर्चा की शासनी मंडल अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री से अपने जमीन के कब्जा होने की शिकायत की तो मंत्री ने समय की कमी बताते हुए पीड़ित महिला को वहां से हटाने को कहा, जिसके बाद मंत्री के आदेश पर बीजेपी नेता महिला के साथ अभद्रता करने लगे तो मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक बने रहे। मथुरा के वृंदावन में यमुना की खादर में बने अवैध मकान तोड़ने का एनजीटी ने आदेश दिया था, जिसका स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध भी किया था। तो वहीं एनजीटी के सख्त रवैये के बाद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया, तो इस कार्रवाई से यमुना किनारे खादरों में बसे 200 कॉलोनियों के 7000 परिवार प्रभावित होंगे। वहीं नोटिस दिए जाने के बाद भी लोगों ने अब तक खादरों में बने मकानों को खाली नहीं किया है। कुशीनगर के गांव लंगड़ी में दो महिलाओं के साथ दरिंदों ने सारी हदें पार कर घटना को अंजाम दिया, जिसमें आरोपियों ने महिलाओं का हाथ बांधकर पिटाई करने के बाद गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया, जिसके बाद भी उन्होंने महिलाओं के साथ और भी दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघते हुए उनका दुष्कर्म किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस महिलाओं को कपड़े पहनाने के बाद चलती बनी, साथ ही बेहद हल्की धारा में केस दर्ज कर पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया। महिला जिस समय घटना जिस दिन घटी थी तो हमको जानकारी हुई एक दिन के बाद, व्हाट्सएप पर बच्चे दिखाया कैसे घटना घटा है। मैं गुस्से में आया, उस समय कोतवाल छुट्टी पर इंस्पेक्टर उसमें थे नहीं यहाँ पर, तब तक वही पता चला वो महिला यहाँ पर आई। महिला के बच्चे ने हमको व्हाट्सएप दिखाया था, देखिए मैं भूल रहा था, उस महिला के साथ एक लड़का था नौजवान टाइप का, उसने दिखाया कि इस तरह घटना घटी है। मैंने तुरंत यहाँ पर फोन मिलाया तो जो SSI थे यहाँ पर, उन्होंने फोन उठाया तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की घटना घटी, इसमें आपने क्या किया है। तो हमको जैसे पहले मामला ये संज्ञान में था कि उन्होंने 151 करके जमानत हो गया, तो मैं ये जान रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसे भीषणतम अपराध में मैंने जो अपराध उन्होंने किया है उसमें आपने एक्सकान किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं विधायक एक्सकान है, वो दोनों अपराधी जेल गए हैं, आप पता लगा लें। तो मैं ये तो जानता हूँ अपराधी जेल गए, उनको कार्रवाई हुई है उस मामले में जो भी उचित होनी चाहिए। अगर महिला के सामने की ये बात है और महिला ने कहा भी कि हाँ वो लोग दोनों जेल गए हैं, महिला ने हमसे कहा था, अगर महिला को कहीं हक तलपी है तो उसको हमसे मिलना चाहिए, मैं निश्चित ही कार्रवाई कराऊंगा। ऐसी घटनाएं कब तक हमारे रहते हैं मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के कारण मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार खत्म होने के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नया कारनामा कुशीनगर के यातायात विभाग से जुड़ा। बता दें कि जिले के ARTO विभाग में तैनात एक बाबू द्वारा गाड़ियों के ट्रांसफर फाइल को सीन करने के नाम पर 100-100 रुपए की वसूली की जा रही है, जिसमें लोगों का कहना है कि रुपए नहीं देने पर गाड़ियों को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जिस कारण विभाग का चक्कर कई दिनों तक लगाना पड़ता है। वहीं जब इस मामले में ARTO से पूछा गया तो स्टिंग बाइट में बाबू के खिलाफ कार्यवाही की बात कहकर अपने आप को बचाते नजर आए। क्या सर वो काउंटर है उनका वहाँ वो पैसा ले सकते हैं? तो पैसा ले रहे थे अभी, पैसा वहीं जमा होते हैं, रसीद वहीं का। कुशीनगर में व्यापारियों को लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली की DCM से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, तो इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए, तो DCM चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद घायलों को CSC पहुंचाया गया, जहां से 4 घायलों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। तो वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मार्ग को जाम कर दिया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर खुलवाया। मऊ में पुलिस ने मिली सूचना पर गश्त के दौरान गांजे की तस्करी के लिए जा रहे 3 अंतरजनपदीय गिरोह को गांजे के साथ धर दबोचा, तो पुलिस ने तस्करों की बाइक सीज करके तीनों तस्करों को NTPC एक्ट के तहत जेल भेज दिया। वहीं 2 अलग अलग जगह से पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 28 किलो गांजा भी बरामद किया है। मऊ के एक गांव में आए दिन शहदों की छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने विद्यालय जाना बंद कर दिया, तो छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद सहित 3 लोगों के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की। वहीं पीड़ित किशोरी ने बताया कि गांव के एक युवक द्वारा अपने 3 साथियों के साथ आए दिन तंग करने पर लड़के के घर शिकायत कर दी, जिसके बाद लड़के ने अपने दोस्तों के साथ किशोरी के घर जाकर मारपीट की, तो डर के कारण उसने कॉलेज ही जाना बंद कर दिया। मुरादाबाद में किसान संघ के सभी सदस्यों ने आयुक्त के कार्यालय पर धरना देते हुए आयुक्त और DIG को एक मांग पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुरादाबाद में डीएम ने सीएमओ के साथ एक तत्काल बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल में चिकित्सा संपत्ति, चिकित्सा की स्थिति और दवाइयों के विवरणों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अस्पताल की अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए भी सभी को हिदायत दी। मुरादाबाद के बैंकरों संघ के साथ जिलाधिकारी की एक बैठक आयोजित की गई, तो इस बैठक का उद्देश्य सरकार की नई स्कीमों के बारे में शहर के लोगों को जागरूक करना था। वहीं डीएम ने भी सभी को धैर्य रखते हुए सभी ग्राहकों को अच्छे ढंग से संभालने की बात कही। गाजीपुर के एसडीएम पर एक जालसाज युवक ने फोन कर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसमें जालसाज युवक ने फोन पर खुद को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बताया। साथ ही जमीन के एक विवाद में पैरवी करते हुए एसडीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं शक होने पर एसडीएम ने पुलिस से शिकायत की, तो पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। हरदोई के संडीला कस्बे में सैकड़ों वर्षों से भद्र मास के आखिरी मंगलवार को महावीर जी का झंडा मेला मनाया जाता है, तो वहीं इस धार्मिक आयोजन के नाम पर अश्लीलता परोसने का मामला सामने आया है, जिसमें बजरंगबली के चार दिन के मेले के दौरान मंदिर परिसर के रामलीला ग्राउंड में फुलवारी लीला के कार्यक्रम में बाल बालाओं का जमकर अश्लील डांस परोसा गया, जिससे वहाँ परिवार सहित मौजूद लोग हैरान रह गए। तो इस डांस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके कारण लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। हापुड़ के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आईं, जहां एक बच्चा बुखार से पीड़ित अस्पताल में फर्श पर पड़ा तड़पता रहा, तो उसकी मां डॉक्टर से इलाज के लिए गुहार लगा रही थी। वहीं किसी भी डॉक्टर ने बच्चे को देखने की जहमत नहीं उठाई, जिसके बाद मामले के मीडिया में आने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पीड़ित मां का आरोप है कि दवाई देने के नाम पर पर्चे पर वह दवाई लिख दी गई जो अस्पताल में नहीं मिली। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।